व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं जीटी सिनेरियोस। तो गाइज रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर देख लिया था, जो लास्ट टाइम जो हमने अपना मिशन सेव करा था उस मिशन का नाम है जीरोइंग इन, यानी जीटी सिनेरियोस की मैं बात कर रहा हूँ। भाई वाई सिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने वाई सिटी के भी यानी कि मिशन अपलोड करे थे इससे पहले यानी वीडियो के अंदर, तो लेकिन मैं अभी जीटी सिनेरियोस की बात कर रहा हूँ कि जो मैंने लास्ट टाइम जीटी सिनेरियोस का जो मैंने मिशन अपलोड करा था उस मिशन का नाम है जीरोइंग इन। तो उस वीडियो के अंदर क्या करा था, मिशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी था, तो इस मिशन के अंदर करना ये था भाई एक कार थी, कार हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर थी, लेकिन उस कार का जो एरो था यानी कि जो मैप के अंदर हमें शो करा रहा होता है रेड कलर का पॉइंट, अगर वो रेड पॉइंट आस्ते आस्ते जो रेड से वाइट होते रहा था स्लो स्लो, लेकिन हमें उसके वाइट होने से पहले उसके पास पहुंचना था, लेकिन अगर हम वहाँ पे उसके वाइट होने से पहले नहीं पहुंचे तो वो हमारा मिशन फेल कर देता था बार बार। तो ये मिशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी था हमारे लिए, वरना तो वो वाइट करने के बजाय कहीं और ही भेज देता, यानी कि उसकी कार को कहीं और दूर भेज देता था, फिर बोलता था वापसी उसके पास जाओ, फिर उसी रास्ते के अंदर फिर वो आस्ते आस्ते यानी कि वाइट करते रहता, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी मिशन हो गया था हमारे लिए। तो गाइस वो मिशन हमने काफ़ी मुश्किलों से कंप्लीट करना था, लेकिन गाइस आज की इस वीडियो के अंदर जो मिशन करने जा रहे हैं इस मिशन का नाम है टेस्ट ड्राइव। लेकिन भाई टेस्ट ड्राइव करने वाले ने आज ड्राइविंग की जो टेस्ट करने वाले, लेकिन ये नहीं पता करना क्या पड़ेगा, तो उसी मिशन का नाम इतना ही मेरे को मालूम है टेस्ट ड्राइव इस मिशन का नाम है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं करा और मेरे चैनल पर अगर आप नए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन में जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं गेम को, चलते हैं कंप्यूटर एकदम, लेट्स गो। यहाँ पर हम आ गए और अपने मिशन को यहाँ पर मैं जल्दी जाता हूँ रेड पॉइंट के ऊपर, और रेड पॉइंट पे मैं आ गया और इस मिशन का हमने स्टार्ट कर लिया, और इस मिशन का आपके सामने नाम आ गया टेस्ट ड्राइव। तो गाइस यहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, ये इस जगह का नाम है गैरेज के अंदर अभी खड़े हुए हैं, ये गैरेज किसका, ये गैरेज हमारा ही है। तो यहाँ पर भाई मेरा प्लेयर आ गया, बहुत ही तो बड़ा कार का गैरेज है यहाँ पर, यानी काफ़ी बड़ा है गैरेज और काफ़ी ज़बरदस्त काम होता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कस्टमर आते हैं काम करने के लिए, और पीछे भी देखो काम चल रहा है कार के अंदर। हो सकता है भाई इसी कार को मेरे को चलाने को दें, क्योंकि ये कार अभी यानी कि रिपेयर हो रही है, तो जा रहा है मेरे को ये कार चलाने के लिए मिल जाए, हो सकता है। तो भाई इसने तो ऐसा कुछ ये बोल रहा, गो एंड गेट द कार फ्रॉम द कार शोरूम, तो कार शोरूम के अंदर जाना पड़ेगा मेरे को सबसे पहले, तो येलो पॉइंट का मेरे को येलो दिखा रहा है, तो यहाँ पर मेरे को कार लेनी पड़ेगी सबसे पहले। तो भाई कोई ना कोई मिल जाए तो जल्दी से कार लेनी, चलो शोरूम के अंदर से कार निकलवा लेता हूँ मैं अच्छी मैंने, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कार मैंने खड़ी की हुई है। तो यहाँ पर मैं आ गया अपने शोरूम के अंदर, देखो सारी लग्जरी कार खड़ी करी हुई है, काफ़ी ज़बरदस्त यानी कि नज़ारा है यहाँ का, तो आप देख भी रहोगे। तो गाइस इस मॉडिफाइड कार को मैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चलाता हूँ, मैं इस कार को चलाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेरे को मज़ा आता है, क्योंकि ये मेरी खुद की बनाई हुई मॉडिफाइड कार है, तो इस कार के अंदर काफ़ी स्पीड भी ज़बरदस्त मैंने करी हुई है। देखो कार की स्पीड देखो चल रही किस तरीके से, ज़बरदस्त सन्नाटे के अंदर चल रही, कार की आवाज़ इतनी है नहीं ले भाई, आती जो डैमेज करती सबसे पहले भाई, ये अपनी खासियत है, यानी कितनी भी अच्छी कार बनवा लो कितनी ही महंगी ले लो, अगर मैं लैम्बोर्गिनी भी लेके निकलूंगा रोल्स रॉयस भी लेके निकलूंगा तब भी मेरी यही हालत होने वाली है, क्योंकि मेरी कार जो है मैं अपन चलाते यानी अच्छी तरीके से इसको जो है रिपेयर करवा तो लेते हैं, लेकिन अपन इसको चलाना आज तक नहीं सीखा अपन ने यार। ये बहुत बड़ी बात है अपने लोगों के लिए कि जीटी सिनेरियोस के अंदर क्या करते हैं अपन, जीटी सिनेरियोस का कोई सा भी गेम हो वाई सी टी या फलाना जो भी है, और अगर ये कार अगर हमें रिपेयर यानी रियल के अंदर मिल जाए ना, कोई लोकल कार ही मिल जाए, जैसे बराबर में जितनी भी लोकल कार्स चल रही हैं तो यहीं पर ही मिल जाना, तो भाई ये तो अपन ऐसे चलाएंगे उनको सकून के साथ। तो गाइस यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं अपने, ओ भाई ये का सीन है, तो ये स्ट्रे क्लोज द केसर एज यू रिटर्न टू द गैरेज। तो गाइस गैरेज से निकल के भागा तो मेरे को ये भाई ये कार पकड़नी पड़ेगी, इस कार को फॉलो करना पड़ेगा मेरे को जल्दी से, उसको फॉलो ही नहीं करना सॉरी बल्कि इसको फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को ब्लू कलर का एरर दिखा रहा है, तो इसको फॉलो करते हुए जल्दी से मेरे को पहुंचना पड़ेगा इसके साथ साथ। तो भाई यानी जब भी ब्लू कलर का एरो दिखाया तो आपने इस बंदे को कभी भी नहीं मारना है, वरना तो भाई आपका मिशन फेल हो जाएगा, वरना तो मैं आपको ट्राई करके दिखाते हो, तो टेंशन वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई। जब भी ब्लू कलर का आप एरो देखो तो उस बंदा को समझ लो वो बंदा अपना ही है, वो किसी और का बंदा नहीं है। तो गाइस यहाँ से आपकी जो कार निकले भागी थी, एक जो है कार का बहुत ही ज़्यादा बड़ा शोरूम था, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इसके अंदर शोरूम्स हैं, तो मतलब कार टेस्ट ड्राइव ये कर रहा है भाई, क्या कर रहा है ये, ने कार को टेस्ट ड्राइव करने के लिए बोला था, कार की मावे ने करने को नहीं बोला था साला, पता नहीं कौन सी स्पीड के अंदर अपन चला रहे हैं साला, अपन ने जो इसके अंदर रॉकेट लॉन्चर भी लगा दिया पीछे ना, तो यानी कि अपने नाइट्रो लगा दी, कार की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। तो भाई अभी यहाँ पर हम आ रहे हैं और ये रोड यार काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है, इसको फॉलो करते हैं। अच्छा वो हमसे भी ज़्यादा तेज स्पीड के अंदर जा रहा है भाई, अब कहाँ कहाँ जा रहा है यार, ढक्का नहीं है घुमा नहीं रहा साला ही अपन को, अब नचाने के अंदर लगा हुआ यार ये, अबे कहाँ कंटी हो रही है, कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, अबे यार ये कौन सी ड्राइविंग कर रहा है यार ये, तो हमें लग रहा हाथ में नहीं आने वाला है ये अपने,
काले ने अच्छी तरीके से नचा रहा है यार ये दोपहर को, तो यहाँ से भी कट मारते हुए निकलते हैं। और अबे भाई कहाँ लेके जा रहा है, समस्या आ रही है, इतनी तेज स्पीड का तो साला कार चलाने में लगा हुआ, रुक और नहीं रहा। ओहो गेट ब्रेक इन द कार, तो अबे क्या गलती से बटन दब गया भाई, जल्दी से मेरे को क्या करना है, रॉकेट मैं सोच तो है ना कि रॉकेट मैन ले लूँ, लेकिन रॉकेट मैन में ले नहीं सकता क्योंकि मेरे को बोल रहा है कार के अंदर ही बैठना पड़ेगा मेरे को। अबे साला क्या मिशन फेल नहीं हो जाए यार ये, जल्दी से कार के अंदर वापसी से बैठता हूँ। तो मैं सॉरी ईसो एम लिख रहा था जिसकी वजह से मेरे को साला पंगा हो गया, ईसो एम लिखते वजह एंटर का बटन मिलता गलती से प्रेस हो गया भाई, इसकी वजह से कार में उतर गया। और हमारा वो जो दूसरा वाला प्लेयर है पता नहीं बहुत ही ज़्यादा दूर चल गया साला, तो और भी ज़्यादा मेरे को लेट हो गया, तो जल्दी से थोड़ा ब्रेक जाता हूँ वापसी से, फटाफट से इसका फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा भाई। बहुत कार तो ओहो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, अबे 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 कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है भैया। ओहो ले भाई ये मिशन जरा फेल नहीं करते यार, ये मिशन फेल हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अबे अबे अब मत गलती हो जाइए, तो बचिया भाई यहाँ से मैं निकलता हूँ, उसको जाके मिलता हूँ मैं अभी, यहीं से ले लेता हूँ यार कार। कार तो इन्होंने मतलब दे दी अच्छी, लेकिन यार हमें चलाना नहीं आ रहा, ये सारा मसला है। अगर ये मेरी खुद की मॉडिफाई कर देता ना फिर तो और अच्छे आने का, उसका हैंडलिंग जो है मैंने बिल्कुल परफेक्ट रखी हुई है, इसकी हैंडलिंग जो है थोड़ा सा मोड़ते हैं पूरी कार मुड़ जाती है। तो भाई टेस्ट ड्राइव ले रहा है, क्या कर रहा है मेरे समझ से बाहर है, इतने लंबे कौन टेस्ट ड्राइव लेता है, साला पूरी सब जगह नचा नचा कर मेरे को लेकर आ रहा है। ले भाई अबे कहाँ घुसा दिया इन्हें, अबे गली के अंदर ही घुसा दिया सारे ढक्कन के। ओ भाई ओ यहाँ से तो पुलिस आ रही है, अबे अबे ये क्या कर दिया, अबे साले ने यार पुलिस ने पुलिस पे चल गई थी इसकी, जब ये सारा भागते हुए जा रहा था यार ये, और जैसे मैं इसके पीछे लुकाना, अच्छा पुलिस ने भाई इसके लिए भी रास्ता रोक के रखा हुआ। ले भाई कहाँ आ जाके अटके यार ये, कौन कौन सा रास्ता तो मेरे को लेके जा रहा है, ड्राइव बैक टू द गैरेज। तो गाइस अब ये गैरेज के अंदर मेरे को लेके जा रहा, तो अब समझ में आ गया मेरे को गैरेज पे जाना पड़ेगा। वो बंदा तो भाई गैरेज में पहले ही पहुंच गया, और अपनी कार की हालत जो काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो चुकी है, ये बंदा मेरे को यहाँ पर आके मिला है। तो गाइस अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा, गैरेज में तो आ गया, अभी कार की जो बोल रहे होंगे माँ बहन यार काफ़ी खतरनाक कर दी तुमने इसकी, तो अभी देखते हैं यहाँ पर मेरा मिशन पास होता नहीं होता तो भाई क्या सीन है। तो यहाँ पर गाइस मेरा मिशन जो आखिरी के अंदर ही पाका, तो गाइस ये मिशन काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा मेरे को, क्योंकि इसने जो काफ़ी ज़्यादा मेरे को नचा दिया, परेशान कर दिया था, मैं सोच के अंदर था कि भाई करना क्या पड़ रहा है, इसके अंदर समस्या बाहर है। तो लेकिन गाइस अब पता चल गया कि ये पुलिस वालों से बच के भाग रहा था पुलिस, ये क्योंकि इन्हें जो गैरेज के अंदर से कार को इन्हें चोरी करा, कार को चोरी करने के बाद भागा, तो जाहिर इसके पीछे तो पुलिस को लगना ही था। तो हमें क्या बोलना था भाई ये मेरे को फॉलो करता हुआ है और पुलिस वालों को रोके, यानी कि पुलिस वालों को रोकने की ड्यूटी अपने हाथ दी थी, लेकिन अपने तो रोका ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस ये थी आज की इस वीडियो की स्टोरी। गाइस आज की जो वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, और चैनल अच्छा लगा यानी कि चैनल तो अच्छा लगता ही होगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए भाई गुड बाय।